हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और ये हमारे पास आज आर्टिका का इंजन है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं और इनका नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये हमारा अल्टरनेटर है जो कि करंट प्रोवाइड करता है हमारे बैटरी को। ये हमारी टेंशनर बेयरिंग है, इसी कारण हमारी जो बेल्ट है टाइट होती है। और बेल्ट जब हमको उतारना होता है तो इसे 15 mm का रिंच लगा के इसी को डाउन करते हैं और बेल्ट हमारी ढीली होती है तो निकालते हैं। ये हमारा वाटर पंप है और ये हमारा है कंप्रेसर। आप पीछे से देख सकते हैं तो ये हमारा गियर बॉक्स ये फ्लाई व्हील से अटैच्ड होता है। ये हमारा होता है स्टार्टर मोटर या इसे सेल्फ भी बोलते हैं हम। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हम ऑयल डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं। इसका नाम होता है ऑयल कूलर। और ये हमारा है कैटालिटिक कन्वर्टर और ये हमारा है टर्बो चार्जर, इसे बोलते हैं एक्चुएटर। यहाँ पे एक वाल्व जैसा लगा रहता है, ये देख रहे हैं। तो ये वैक्यूम के कारण होता है, जब वैक्यूम होता है तो ये अपने आप ही खिंचता है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये हमारी टरबाइन है। ये टरबाइन मूवेबल, अगर आप देखेंगे इसमें अगर प्ले है थोड़ा भी, अगर टर्न हो रही है तो ये हमारी टरबाइन ख़राब होती है, तब प्ले आता है। ये हमारी हाइड्रोलिक क्लच है, यहाँ से हाइड्रोलिक ब्रेक ऑयल हमारा जाता है जो कि क्लच पे अप्लाई होता है, क्लच बेयरिंग पे। यहाँ से क्लच ब्लीडिंग कराते हैं इस नोज़ल को निकाल के, इसमें मोबिल लगा है आप देख सकते हैं, यहाँ से क्लच ब्लीडिंग कराते हैं। अगर मैं सेंसर्स की बात करूँ तो ये आप देख रहे हैं फ्रंट में रहता है, ये हमारा क्रैंक सेंसर बोलता है, इसे बोलते हैं CKP सेंसर भी। ये हमारा ऑयल स्विच है, ये हाई प्रेशर पंप के साथ होता है। ये ऑयल रेगुलेटर स्विच या हाई प्रेशर रेगुलेटर स्विच बोलते हैं। और ये हमारा है थर्मोस्टेट वाल्व, इसके साथ ये ग्रीन कलर का लगा हुआ है इनलेट टेम्परेचर सेंसर, ये होता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं ECT। और ये हमारा है वैक्यूम पंप, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा कैम सेंसर या CMP भी बोलते हैं इसे। ये आपको सेंसर मिलेगा कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन सेंसर या ऑटो सेंसर, या आप कहीं कहीं देखेंगे एयर फ्यूल सेंसर भी बोलते हैं। और ये आर्टिका का है BSS सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर बोलते हैं इसे। ये हमारा गियर बॉक्स पे लगा होता है पीछे की तरफ। और ये हमारा है मैप सेंसर, ये इनलेट मैनिफोल्ड में लगा रहता है, इसे मैप बोलते हैं, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। और ये हमारा है मैनिफोल्ड है, यहाँ पे हमारा आता है AGR वाल्व का लगता है यहाँ पे। ये हमारा है यहाँ पे लगता है AC कंप्रेसर स्विच है, ये यहाँ पे ये वायरिंग गई हुई है, यहाँ पे लगती है वायरिंग तब तो हमारा AC कंप्रेसर काम करना चालू करता है। कभी कभी हमारा वायरिंग लगाना भूल जाते हैं तो AC कंप्रेसर हमारा रन नहीं करता है, तो वायरिंग भी चेक करना चाहिए। ये हमारा है PCV, इसे बोलते हैं पॉलिसी क्रैंक केस वाल्व, ये कनेक्ट होता है इधर से और पीछे से, ये हमारा इंजन से कनेक्ट होता है। ये होल देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे ग्लो प्लग्स आते हैं। और ये पार्ट हमारा पूरा है इंजन का और ये पार्ट हमारा है गियर बॉक्स का, यहाँ पे हमारा फ्लाई व्हील लगी रहती है इसके अंदर। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।